इस अनुग्रहित सुबह में प्रभु के धन्य नाम को महिमा और स्तुति देते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 और उसके 15 वचन में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। इस अनुग्रहित वचन को आधार मानते हुए हर प्रकार के लोभ से बचे रहें। यह विषय मनन करने के लिए हम परमेश्वर पर आश्रित हों। धन का बढ़ना और महंगाई के बढ़ने वाले इस समय में लोभ से बचे रहिए। इस वाक्य के समर्थन में कितने लोग हैं यह मैं नहीं जानता। दिन भर परिश्रम करने पर भी जीवन की आवश्यकता जब पूरी नहीं होती तो धन के लिए मनुष्य और कठिन परिश्रम करके अपना जीवन जीते हैं। यह बात से मैं सहमत हूँ कि जरूरत के अनुसार धन अर्जित करना है, परंतु जो आवश्यकता से अधिक हो और जो परमेश्वर ने समृद्धि में देते हैं उसको संचय करके नहीं रखना चाहिए, परंतु आवश्यकता अनुसार उसे खर्च करना चाहिए। लोभी ना बने। ऐसा कहने के पश्चात प्रभु यीशु एक धनवान की उपमा देते हैं। उसके पास सब कुछ था, वह समृद्ध था, परंतु वह सिर्फ अपने लिए ही संचय करके रख रहा था। इसलिए उसे परमेश्वर हे मूर्ख करके संबोधित करते हैं। इसलिए आप जो समृद्धि प्राप्त करते हैं उसे सिर्फ अपने में ही सीमित ना रखें। दूसरों की आवश्यकताओं को यदि आप नजरअंदाज करते हैं तो वह प्रभु को पसंद नहीं है। व्यक्त रूप से कहूं तो हम जो भी करते हैं वह सिर्फ धन के लोभ में ना करें। जो कार्य और सेवा आप करते हैं उसे आप विशेष रूप से प्रेम पूर्वक यदि करेंगे तो उसका असर आप अलग अलग तरीके से अलग अलग व्यक्ति उसका अनुभव करते हुए आप देख सकेंगे। धन कमाने के लिए मात्र जो नौकरी करते हैं वे निश्चित रूप से अपना जीवन जीते नहीं हैं, बल्कि वे अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। ये मूर्खता है। इसलिए बुद्धिमान बने और प्रभु ने जो आपको ज्ञान धन और समय दिया है उसे इस प्रकार प्रयोग करें कि समाज के लिए वह उपयोगी ठहरे। पिछले दिनों हिंदी अखबार में एक खबर इस प्रकार थी, झारखंड नामक जगह में एक व्यक्ति था जिसका नाम परशुराम था और उनकी आयु 68 वर्ष की थी। यह खबर उस पिता की है जो नक्काशी करके अपना जीवन यापन करते थे। उनका जन्म हुआ, वे बड़े हुए और क्योंकि उनकी आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं थी इसलिए वे 5वीं कक्षा तक ही पढ़ पाए। उन्होंने सोचा, मेरे जैसे मजदूर, रिक्शा चालक और ठेला लगाने वाले लोगों के जीवन में कितनी तकलीफें आती हैं और उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते, और इस प्रकार का विचार उन्हें परेशान कर रहा था। क्यों ना मैं मजदूरी करने वाले लोगों के बच्चों को पढ़ने का एक अवसर तैयार कर। एक ऐसा विचार उनके मन में आया और उन्होंने नक्काशी करके जो 20,000 रुपए कमाए थे उस राशि से एक छोटा सा स्कूल का निर्माण किया और उसका आरंभ किया। पहले उन्होंने खुद बच्चों को वह पढ़ाया जो अक्षर उन्हें आते थे। उसके बाद जब बच्चे पढ़ने लगे तो उन्होंने 2 शिक्षकों को भी नियुक्त किया। शिक्षकों को उनकी तनख्वाह देने के लिए उन्होंने दूसरे काम करने वालों से 100-100 रुपये एडजस्ट करके 6,000 से 7,000 रुपये वो महीने संभाल के रखते थे। टीचर्स को नियुक्त करने के बाद और अधिक बच्चे स्कूल आने लगे। टीचर्स को तनख्वाह देने के लिए वे रात में भी नक्काशी का काम करके पैसे इकट्ठा करते थे। उनकी इस तीव्र इच्छा और लगन को देखकर कई संगठन से भी लोग आए और फंड देकर उनकी सहायता की। बिना लोभ के जो एक छोटा सा स्कूल आरंभ किया था आज वह 7वीं कक्षा तक वाला एक स्कूल बन गया है और 4 शिक्षक वहां बिना तनख्वाह के अपना कार्य कर रहे हैं। लगभग 4,200 बच्चों ने वहां से अपना अध्ययन प्राप्त किया है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा शेष जीवन हम जो करते हैं वह सिर्फ धन संचय करने के लिए ना हो, समूह और लोगों के प्रति प्रेम के द्वारा हम कुछ करें। इसमें प्रभु हमारी सहायता करें। गॉड ब्लेस यू एब्सोल्युटली। हैव अ नाइस डे।